हाय फ्रेंड, सुषमा की रसोई से आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने रसोई में पनीर बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम पनीर लिए हैं। अब मैं इसको पीसेस में कट कर लूँगी। पनीर को मैंने पीसेस में कट कर लिए हैं। अब मैं इसे हल्का फ्राई करूँगी। कढ़ाई में तेल गर्म हो गई है। अब मैं इसमें पनीर डालूँगी और हल्का फ्राई करूँगी। ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है। पनीर को हल्का फ्राई करूंगी, इसे ज़्यादा लाल नहीं करूंगी, नहीं तो ये स्पंजी नहीं लगते हैं, कड़े कड़े से हो जाते हैं। पनीर फ्राई हो गई है, अब मैं इसे निकाल लूंगी। तेल में मैं एक तेज़पत्ता डालूंगी। मैं अदरक और धनिया और काली मिर्च का पेस्ट बनाकर मैंने डाला है। 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार मिर्ची घटाए या बढ़ा भी सकते हैं। मसालों को थोड़ा मैं लाल करूंगी। 1 चम्मच मैंने पॉपी सीड लिए हैं, 1 चम्मच मैं वाटरमेलन सीड ली हूँ, 4 मैंने आलमंड लिए हैं और 2 काजू मैंने लिए। इन सभी को मैं पानी में भिगो कर रखूंगी 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद मैं इसे पीस लूँगी। मसाले हल्के लाल हो गए हैं। अब मैं इसमें जो काजू और पॉपी सीड का पेस्ट बनाया था वो मैं डाल रही हूँ। अब इसे मैं अच्छी तरह भूनूंगी। मैंने 2 चम्मच काजू और पॉपी सीड का पेस्ट डाला है। अब मैं 2 चम्मच इसमें टोमेटो प्यूरी डालूंगी, जो मैंने टोमेटो पीस कर रखा था। अब मैं इसे फ्राई करूंगी जब तक कि तेल बाहर मसाले से रिलीज ना हो जाए। इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। मसाले में हल्का हल्का पानी डालकर फ्राई करना है, नहीं तो मसाले चिपक जाएंगे और अच्छे से पकेंगे भी नहीं। दो तीन मिनट मैं पानी को मसालों के संग पकाऊंगी। पानी पक गए हैं और कलर भी अच्छा सा आ गया है। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड करूंगी। पनीर को ऐड करूंगी। दो एक मिनट मैं इसे पकाऊंगी। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ा मीठा पसंद है तो डालिए, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। लेकिन ज़रा सा चीनी डालने से पनीर का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। मैंने ऊपर से 1 चम्मच बटर और धनिया पत्ता डाल दिया है। अगर घर में अचानक मेहमान आ जाए तो इस तरह से पनीर बनाकर खिलाइए, वो तारीफ करते नहीं थकेंगे और घर में बच्चे और बड़े तो चटकारे के संग खाएंगे ही। अगर पनीर की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।